वाहिगुरु साहिब जी, श्री नानक पग पंकज बंदन पद पंकज बंदन सिमरहो अंगद दुख निकंदन अमरदास गोर हृदय त्यावह गोर हृदय त्यावह श्री गुरु रामदास गुण गाव श्री अर्जन विघ्नन के नाशक विघ्नन के नाशक हर गोविंद शुभ सुमत प्रकाशक श्री हर राय नमो कर जोरी नमो कर जोरी श्री हर कृष्ण मनाए बहुरी तेग बहादुर परम कृपाला परम कृपाला श्री गुरु गोविंद सिंह बिसाला तरह तरा पद पुन पुन शीसा पर पुन पुन शीसा बंदो हम बार बार जगतीसा तरह तरा पर पुन पुन शीसा पर पुन पुन शीसा बंदो हम बार बार जगतीसा जिसमें है अमृत ज्ञान है माणक भगत बैराग श्री गुरु ग्रंथ साहिब दद बंदों कर अनुराग एकंकार सतगुरु ते प्रसाद सच होए वाहे गुरु जी की फतेह विघ्न विनाशन सोए वाहे गुरु जी की फतेह
बिगन बिनाशन सोए। कह सवा मह श्री अर्जन की रहत कल महिमा सुखमनी बहु जप जी महिमा महत दोहरा। एक दिन गुर कह सवा मह श्री अर्जन की रहत। परम सम्मान योग चवर शतर तख्त दे मालक वालिए दो जहां रहमतां दे मुजस्मे सतगुरु धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी अंदर सतगुरु जी दी बख्शिश नूं प्राप्त करन वास्ते सुभाईमान सतसंगी जनों सतगुरु जी दे पावन पवित्र स्थानां ते जो निरंतर गुर इतिहास दीआं विचारां आरंभ हुंदीआं हन तिन्हां दी आरंभता तो पहलां सतगुरु जी आप कृपालता करन पावन गुर इतिहास दी विचार सतगुरु जी आप तरस करके करवा लैन। आओ सतगुरु गुरसंगत जी आप जी बख्शो असीस बुलाओ फतेह। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धन सतगुरु साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज आप कृपालु दातार अपने दर ते आई हुई संगत नूं बेअंत जिहड़ियां उस वक्त गुझे भेदां दे नाल भरियां हुईयां गल्लां गोहज भेद जिहड़े सन उह संगत दे विच सतगुरु जी प्रगट करदे बेअंत गुरसिख गुरमुख जिहड़े सन उस सतगुरु साहिब सच्चे पातशाह महाराज जी दे कोलों ये भेदां नूं प्राप्त करके गुरबाणी दे कई इतिहासक और कई दार्शनिक पक्षां नूं विचारन वाले हो जांदे। सतगुरु महाराज जी दे दर ते आपां कल विचारन दा यतन कीता सी कि कवि चंदन आया ते चंदन कवि ने सतगुरु साहिब जी अगे हंकार कीता कि महाराज मेरे कोल बहुत कीमती कविता लिखी है जे वो तुसी कविता उन्हूं पढ़ोगे तो बहुत ज़्यादा विद्वता नाल लिखी गई है हो सकता है कि तुहाडे दर दा कोई कवि ऐसी कविता दे अर्थ ना कर सके मैनू ते तुहाडे ते भी शक है कि शायद तुसी वी अर्थ पूरी तरह ना कर सको। महाराज ने वेख्या कि कवि चंदन हंकारी हो गया दातार सच्चे पातशाह महाराज ने कहा भी कविता पढ़ो जदों ने कविता पढ़ी कि नवसात तीए नवसात किए नवसात पिए नवसात प्याए सतगुरु हस के कहन लगे कि बड़ी हौली जी कविता लिखी है ऐसी कविता दे अर्थ साडे कवि तां की गुरु घर दे विच घा खोदन वाले और घोड़िया नूं खरखरा करन वाले ही कर देणगे इहदे विच केड़ी एडी विद्वता है ते हंकार नाल भर के कहन लगा महाराज फिर करा के विखाओ। महाराज ने धन्ना सिंह नूं सद्या ते सद के नाल ही कहा कि भाई धन्ना सिंह कवि चंदन ने बहुत कीमती अपने वालों कविता लिखी है कहिंदा भी कोई इहदे अर्थ नहीं कर सकता ते तुसी इहदे अर्थ करो ते भाई धन्ना सिंह ने कहा सी महाराज मैं घा खोदना ते घोड़िया नूं खरखरा करना जानदा विद्वता मेरे वस की गल नहीं। सतगुरु कहन लगे नहीं ये तुसी कविता जिहड़ी इहने लिखी इहदे अर्थ करो। धन्ना सिंह ने कहा भी दस एक ही पंक्ति आप जी दे सन्मुख रखांगा ते धन्ना सिंह ने उस वक्त ही
उस कविता दे जिस वक्त शब्द जो लिखे गए उच्चारण किए, कवि चंदन कहिंदा कि नवसात तीए नवसात किए नवसात पिए नवसात प्याए, तो भाई धन्ना सिंह कहन लगे कि इहदे अर्थ नवसात नौ ते सत सोलह, तीए का अर्थ है इसत्री, नवसात किए उन्हें सोलह तरह के शिंगार किए, नवसात पिए उहदे सोलह साल का पति है, नवसात प्याए सोलह महीनों बाद घर विच आया। और ये सारी दी सारी जिस वक्त कविता के चार बंद सन, चारों के अर्थ कर दिते, अर्थ करन तो बाद उस वक्त ही कवि चंदन कल्प गया कि महाराज तुसी मेरी कविता के अर्थ एक घाई तो ही करा दिते हैं। सतगुरु साहब सच्चे पातशाह कह लगे तेनों हंकार सी, पर हुण इस हंकार नूं होर तोड़ना होवेगा, भाई धन्ना सिंह हुण तू कविता उच्चारण कर ते कवि चंदन अर्थ करेगा। ते कवि चंदन दे सामने भाई धन्ना सिंह ने कविता उच्चारण की कि मीन मरै जल के परसै, कबहू ना मरै तन पावक पाए। ये अर्थ बनते सन कि मछली कदी नहीं मरती, जे उन्हू अग च सुट दईए तो मर जाती, जे पानी विच रखिए। कवि चंदन दुविधा च पै गया भी ये किस तरह के अर्थ बने, मछली अग ते सड़ जाती है पानी च ज्यौंदी रहिंदी, पर उल्ट क्यों कह रहे। जदों हथ खड़े कर गया भी मेरे तो अर्थ नहीं होंगे, तो सतगुरु कह लगे धन्ना सिंह फिर इन अर्थ करके विखा। भाई धन्ना सिंह निम्रता नाल भरे हुए कह लगे महाराज ये तुहाडे दर दा कवि है, अर्थ यही करेगा, मैं सिर्फ इन भेद दस दिना कि इस कविता दे विच सिर्फ विश्राम का भेद है, अर्थ तो अपने आप इन्हें कर देने सन। जिथे लिखा है ना कि मीन मरे जल के परसै, कबहू ना मरै तन पावक पाए, ये अर्थ बनते सन। पर जिस वक्त यदा विश्राम इस तरह लग जाए कि मीन मरै जल के परसै कबहू ना मरै तन पावक पाए, फिर ये अर्थ सुचजे हो जाएंगे। इस तरह कवि चंदन ने अर्थ किए तो सतगुरु साहब के चरणों च मत्था टेकया, महाराज मेरे तो भुल हो गई, मैं हंकार किया तो तुहाडे दर तो मेरा हंकार भी टुटिया है। सतगुरु कह लगे हंकार विच भरिया कोई किड्डा भी वड्डा विद्वान आ जाए, गुरु के दर ते वह बरकत का पात्र नहीं बनता। इस करके असी भी जीवन के अंदर जे किते छोटा मोटा भी हंकार रख के आने, साडे नितनेम का, साडी सेवा का, साडे सिमरन का, साडी उच्ची पदवी का ते घर रख के आया करिए। सतगुरु साहब सच्चे पातशाह महाराज बहुत कुछ इस तरह समझा रहे सन। आओ इतों तक कल का प्रसंग विचारिया सी, अज आप जपजी साहब अते सुखमनी साहब जी दे महात्म नाल भरिया होया ए अज दा जो पावन प्रसंग उचारण करना, सतगुरु साहब कृपा करन। आओ आरंभता करिए जी। वाहिगुरु साहिब जी दोहरा एक दिन गौर कहे सभा में श्री अर्जन की रहत। एक दिन तुहानु सतगुरु साहब सच्चे पातशाह महाराज दे दर दे उपर, तुहानु गुरु अर्जन साहब सच्चे पातशाह महाराज जी दे समय दी जो रहनी है, महाराज जी दे समय विच जो कुछ कलयुग दे बारे कहा गया है। काल महिमा सुखमनी बहु जब जी महिमा महत। किवें कलयुग दे अंदर कल दे समय दे विच जपजी साहब जी की जो महिमा है, जो जपजी साहब जी का श्रेष्ठ पक्ष है। जिनके सेवन ते मिटै बिघन काल कसमदाए। कहन लगे धन गुरु अर्जुन साहब सच्चे पातशाह महाराज जिन्हां नूं सेवया, जिन्हां दी बाणी पढ़िया, बेअंत तरह के जिनके सेवन ते मिटै बिघन कलुक समुदाए, कलयुग के सारे दे सारे बिघन जिन्हां दे दर्शन कीतियां, जिन्हां दे दर ते आया खत्म हो जांदे हन। नित पाठ चित प्रीत ते अंत भली गात पाए। ते सतगुरु कहन लगे इन्हां बाणियां दा पाठ जपजी साहब जो गुरु नानक साहब जी दी लिखत है, ते सुखमनी साहब गुरु अर्जन साहब महाराज दी दातार, कहन लगे जिहड़ा भी इन्हां बाणियां दा जिहड़ा है वह अभ्यास करदा है और भली प्रकार उहदे जीवन विच विघन खत्म हो के जीवन की गत हो जाती है। सुनकर तब नंद लाल एक पंडित पिंडी लाल। इत्थे धन सतगुरु साहब सच्चे पातशाह महाराज जी दे कोल बैठे, इत्थे भाई नंद लाल
एक पंडित है जिदा नाम पिंडी लाल करके है। दोनों पूजन लगे सब महिमा जथा बसाल। सतगुरु जी नूं पुछन लगे महाराज आप जी कृपा करो जेडी जपजी साहब जी की महिमा श्री सुखमनी साहब जी की महिमा है आप जी कृपा करके वो सारी महिमा बयान करो। श्री अर्जन जी रचिए श्री नानक जापकीन। श्री गुरु अर्जुन देव महाराज जी ने सुखमनी साहब रचिया ते धन श्री गुरु नानक साहब महाराज जी ने जपजी साहब जी की रचना की। इन्हों का महात्म की है। श्री मोखते वर्ण अवै जथा महात्म पीन। सतगुरु जी कृपा करो आप जी इहदा वर्णन करो जो महात्म सतगुरु साहब सच्चे पातशाह जी की पावन बाणी का है आप जी उन्हों बयान करो। चौपाई इतने बिखै आनंद सिंह कहो। इन्ने चिर नूं धन सतगुरु साहब सच्चे पातशाह महाराज जी के कोल बैठे भाई आनंद सिंह ने सतगुरु साहब जी के सन्मुख आखणा किया महाराज मैं अचरज लहयो। सतगुरु जी बेनती करां तुहाडे सन्मुख ते मैं एक बहुत वड्डा आश्चर्य प्राप्त किया है। मैनूं एक बहुत वड्डा आश्चर्य कौतक होया है। विच सराए के एक सिख हीरा आख्या भी सरां दे विच एक सिख वेख्या है। तिसमें प्रवशियो प्रेत बडेरा उहदे विच इक प्रेत दा वसेबा भाव के माड़ी बिरती दा प्रवेश हो गया सी। इतनों ई प्रस्ताव चलाए ते इत्थे इन्ने चिन्नूं इह सारा प्रस्ताव चलन लगा कवि गुनी गान गुर टग आए। इन्ने चिन्नूं प्रस्ताव चल ही रहा सी ते बहुत गुणी कवि जिहड़े सन 52 कवि महाराज जी दे दर ते रहिंदे सतगुरु साहब जी दे कोल आउणा शुरू हो गए। वारी वारी सारिआं दा आगमन होया है। पठन सुनन को परचा जोए क्योंकि रोजाना दा सुभाव सी के पढ़न सुनन दा अभ्यास जिहड़ा सतगुरु साहब जी दे दर ते हुंदा सी। जिनके संकर रस सोए ते सतगुरु साहब सच्चे पातशाह महाराज जी दे नाल बड़े प्रेम बड़े रसा विच वो आपो अपनिया काव्य प्रणालियां कवितावां उचारण करदे। विधि चंद पंडित ब्रजलाल इत्थे विधि चंद ते पंडित ब्रजलाल आदिक खान चंद अर चंद निहाल इत्थे महाचंद अर चंद निहाल ये जिहड़े गुरसिखां नूं वेख्या गया। मानदास बैरागी जेब इत्थे जिहड़ा है मानदास बैरागी का नाम भी आउंदा है। सेनापत पंडित सुखदेव सेनापत ते पंडित सुखदेव आदिक सतगुरु दे कवि हन। आलम शाह मदन गर आयो इत्थे जिहड़ा भाई आलम शाह भी इत्थे कोल पहुंचया है और मदन जिहड़ा है ये पहाड़ी इलाके तो भी चल के आया है। बिरखा सुखू गुनिया पायो इत्थे भाई गुनिया ते भाई सुखिया ते बिरखा पावे सारे सतगुरु कोल आए। गुन्ना अली हुसैन रो अल हुण इत्थे अली हुसैन वर्गे सतगुरु साहब जी दे दर ते आए हन। उदे राव रावल कब बल ते इत्थे जिहड़ा है ओ कवि बल्लभ वर्गे उदय राम वर्गे सतगुरु कोल आए। सुखिया धर्म सिंह अर चंदा हुण इत्थे चंदा कवि चंदन धर्म सिंह ये सारे दे सारे सतगुरु साहब जी दे कोल आए। सुखिया कवि भी पहुंचया है। बल्लभ काव कुवरेश बुलंदा इत्थे जिहड़ा है बल्लभ तो बाद कुवरेश भी आया। कुवरेश कवि विद्वान पुरख सी भाव कि जिन्हें उस वक्त विद्या पर्व का जिहड़ा है वह लत्था कीता सी। मधु लखा ईशरदास इत्थे भाई मधु लखा ईशरदास ये सारे पहुंचे हन। ध्यान सिंह तन्ना सिंह दास इत्थे ध्यान सिंह ते तन्ना सिंह भाव के सेवक जिहड़ा काई सी ये भी पहुंचे हन। हंस राम आदिक कब और हुण इत्थे हंस राम वर्गे होर भी कई कवियां ने सतगुरु साहब जी दे दर ते आमद कीती है। विद्यावंतन के सिरमौर ये सारे दे सारे विद्वता विच बड़े सिरमौर सन बहुत वड्डी विद्वता रखते सन। पृथक पृथक सब टेक्यो माथा पृथक सारियां ने वारी वारी करके साहब सच्चे पातशाह जी दे चरणां विच मत्था टेकिया। बैठे सभा देह गुरनाथा सतगुरु साहब जी नूं सभा विच बैठिया वेख करके एन पछाती आए शताबी इत्थे जिहड़ा है वह सारे दे सारे जिन्ने भी इत्थे
महाराज जी के दर के उपर जिहड़े संगीत नाल संबंधित व्यक्ति हैं वह भी पहुँचते हैं। सद्दू मद्दू दोन रबाबी, ये सद्दू ते भाई मद्दू दो रबाबी भी सतगुरु जी के दर से होए हैं। कीर्तन करन लगे तब आए, ये कीर्तन करन लग पे, बड़ा सोहना दीवान सतगुरु जी का सजिया होया ते ये गुरबाणी कीर्तन का अभ्यास करते सन। महाराज जी के दर के उपर जो कीर्तन होने लगा है फिर चित जब है थरे समुदाए, सारे एक चित विच हो के जो गुरबाणी का कीर्तन होने लगा तो टिक गए ना सारे, जदों सारियां दे अंदर एकाग्रता आई है तां श्री मुख ते उत्तर कहयो, तन सतगुरु साहब सच्चे पातशाह ने अपने मुख तो फिर उत्तर बख्शिश कीता। प्रेत लग्यो जे सिख के लहयो, सतगुरु साहब सच्चे पातशाह महाराज ये प्रेत लग्यो जे सिख को लहयो, भाव कि तुसी कहिंदे सी भी जिहड़े सिख नूं प्रेत लगा सी सोनह पड़त हो होग जप रसना, आख्या भी उन जपजी साहब का पाठ नहीं करता होगा तां करके उन्हूं प्रेत लगा होगा। जिन्हों कंठ तन पार काश वासना, जिहदे कंठ के उपर गुरबाणी का वासा नहीं सी इस करके और उस दे कंठ दे उपर जिहड़ी है प्रेत बाणी वास गई, इस करके जिहदे कंठ ते जिहदी रसना ते जपजी नहीं है। निट खालसा गौर बाच सुनियो, खालसा पंथ नेड़े बैठा है सारा, सतगुरु साहब जी दे कोल इसे तरह जदों बचन सुने सिख ने सुनाए कि महाराज इसे तरह एक सिख दे नाल सराह विच वापरिया है, बूझन कारण नीके भनियो, सारे गुरसिखां कहा कि महाराज दसो की कारण है, सारा आप जी कारण अभ्यास दसना करो। श्री प्रभु पातशाह गुरु साचे, आख्या सच्चे पातशाह तुसी सच्चे गुरु हो, तुसी रहमतां दे खजाने देण वाले हो, देहो बताए संसा जित राचे, महाराज दसो भी जिहड़ा संसा है साडे मन विच भी की कारण है प्रेत आउण दा, लेत मोत जप पाठक जोए, इस करके महाराज कि जिहड़े जप नूं पढ़ के मुक्ति की प्राप्ति करदे ने, ये तुसी क्या कि जपजी साहब पढ़न वाला श्रेष्ठ है, जपजी साहब पढ़न वाला ज्योंदे जी मुक्त है, ते महाराज आप कृपा करके महिमा दसना करो, कै शरीर की रक्षा होए, महाराज कि दसो कि जे जपजी साहब लोक परलोक विच सुख दिंदा ते की जपजी साहब पढ़न नाल शरीर की रक्षा होवेगी। महाराज ये तुहाडे अगे बेनती है साडी कि दसना करो, यह निर्णय हम पाव हैं जैसे, और ये निर्णय असी प्राप्त किवें करिए, ये निर्णय जिहड़ा है वह साडे जीवन दे विच पूरा किवें होवेगा, सिखन हेत उचार हो तैसे, महाराज दसो साडे इस सवाल का जवाब दिओ, सानू संतुष्टी देना करो। श्री मुख ते फरमावन कीन, साहब सच्चे पातशाह ने अपने मुख तो फिर बचन किया है, ना तारना आप मुख विचों बचन करके उच्चारण करन लगे, अमृत फल किस हूं कर लीन, महाराज कहन लगे अमृत फल किस हूं कर लीन, एक किसे नहीं जेड़ा है वो अमृत रूपी फल अपने कोल प्राप्त किया, अपने हथां विच लिया है, ये अमृत रूपी फल जेड़ा है वो किसे तो ही प्राप्त होया, भाव किसे ने ही जपजी पढ़ के प्राप्त किया है, जो अचले अमर हो जाए, महाराज कह लगे जेड़ा जपजी साहब विच प्या होया अमृत अच लवे, अच लए दा हुंदा शक लवे वह मुक्त हो जाएगा, उदा जन्म मरण उदा दुख कलेश कटिया जाएगा, भूख त्रिखा पी दुख बनसाए, ते ओदी जेड़ी त्रिखा है वह भी समाप्त हो जाएगी, भूत प्रेत आदिक बिनस जाएंगे, अमृत फल जिम दोनों करें, ते अमृत रूप फल जेड़ा है ये प्राप्त होवेगा, अमृत रूपी दात जेड़ी है वह सिख की झोली विच प्रगट होवेगी, तथा शक्त जप जी जोग धरे, महाराज कहन लगे इत्थे तथा शक्त जप जी जुग धरे, महाराज कहन लगे कि पुराना समा सी जदों देवते अमृत छक के अपने आप नूं अमर समझदे रहे, पर महाराज कहन लगे कलयुग विच जिहड़ा जपजी साहब का पाठ करेगा वह बहुत वड्डा जिहड़ा है वह अभ्यासी बन के जीवन मुक्ति की प्राप्ति करेगा, तन की रक्षा मुक्त पदार्थ, महाराज कहन लगे तन की रक्षा तो होएगी होएगी,
ते मुक्ति रूप पदार्थ भी उन्हों प्राप्त होवेगा। भाव जिन्हां विचों ये चार पदार्थ मिलते हैं जिन्हां का जिक्र जिहड़ा है सतगुरु साहब जी ने किया, धर्म अर्थ काम मोख, भाव ये चार पदार्थ भी प्राप्त हो जाएंगे। जे दोनों को सदा सकारथ ते ये जिहड़ा है जपजी साहब जी का फल तन वास्ते भी मन वास्ते भी बहुत सकारथ है। सुन कर तब पंडित ब्रजलाल, इत्थे जिहड़ा है सुन कर तब पंडित ब्रजलाल, जिहड़ा ब्रजलाल पंडित है जदों ने यह गल नूं सुनना कीता है। बेनती करत भयो तिस काल, बेनती करन लगा सच्चे पातशाह आप जी दे सन्मुख ये अरदास है। पातशाह सुन मेरी बात, महाराज मेरी गल सुनोगे, मैं आप जी दे सन्मुख कुछ सवाल रखने चाहुंदा हाँ। एक दिन सुपने मैं बख्यात, महाराज मेरे सुपने विच एक दिन एक गल प्रगट हुई है जो वख्यात होया है। श्री नानक को दर्शन कीनो, आख्या मैं सतगुरु गुरु नानक साहब जी दे जिवें दर्शन कर ले होण, मैनू इसे तरह सुपने दे विच महसूस होया है। जन्म पद करतारथ मैं नजलीन चीनो, ते मैं वेख्या कि सतगुरु गुरु नानक साहब ने मेरा जन्म किरतारथ कर दिता है, मैनू तृप्ति सहित कर दिता है। परम अर्थ जाप जी जप जी को होए, ते इसे तरह महाराज भी सुपने विच ही जपजी साहब जी दे इन्ने वड्डे अर्थ हो गए भी बयान ही नहीं कर सकता भी इन्ने वड्डे अर्थ जपजी साहब जी दे प्रगट हो गए हैं। मैं भी सुनियो सुनावो सोए, ते सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज उस वक्त ते सारा निर्णय मैं भी सुनियो सुनावो सोए। महाराज कहन लगे मैं सुने ने, भाव इत्थे पंडित उस वेले कहन लगा महाराज मैं सुने हैं अर्थ चंगी तरह सुनावो सोए, मैं वो आप जी दे सन्मुख सुनाउना करदा हाँ। करियो श्लोक सुनावन जहां, ते जिस वक्त कहिंदे ने कि जदों श्लोक दी जिहड़ी है वो समाप्ति होई, जदों श्लोक सुनाउना कीता, ते ते सुन जे तक मैं लहूं, ते जो कुछ मैनूं प्राप्त होया जिन्हें को अर्थ मैनूं चेते रहे हन, सतगुर तवे उचारन कीनो, धन सतगुरु साहब सच्चे पातशाह महाराज जी ने उसे वक्त बचन किया उचारण किया। गुरु घर को पंडित मात पीनो, सतगुरु साहब सच्चे पातशाह कहन लगे तू गुरु घर का पंडित मत पीनो, बड़ी श्रेष्ठ मत वाला है, तेनू गुरु घर ने पंडिताई बख्शी है। गुरु मह तो वो प्रतीत है भारी, सतगुरु कहन लगे पंडित जी तुहाडी गुरु विच बड़ी वड्डी प्रतीत है, तुहाडा गुरु विच बहुत वड्डा भरोसा है। सुनियो जथा अब करो उचारी, ते फिर जिवें तुसी अर्थ सुने ने सतगुरु साहब जी दे सलोक तक फिर सानू सुनाओ, दसो फिर वह किदां अर्थ होए हन। सुन कल कर सुन कलगी धर ते दिज बजत दिज बरताब, हुण कलगी धर साहब महाराज जी तो सुनिया ते जिहड़ा दिजबर सी ब्राह्मण उसे वक्त सुनाउन लगा। करियो सुनावन आशय नेज साब, सतगुरु जी जे तुहाडा आशा है ना ते मैं फिर सुनाउना करदा हाँ, वो अर्थ पूरे करदा हाँ। सलोक हार शत्रु न माम गृह दुबारा तोहे दुख ना दुख दान दुख दान, इत्थे जिहड़ा है इस गल दा निर्णय सलोक हर शत्रु न माम गृह दीवारा त्रोहे दुख दान, भाव के ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਸ ਵਕਤ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹਨ ਦਲਿੱਦਰ ਹਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਦਰ ਘਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਰਾਹੇ ਮਾਂ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਗੁਰੂ ਸਰਸਵਾਪਨ ਸਲੋਕੋ ਕਹਿਤ ਰੁਕਤਵਾਨ, ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਮੈਂ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਾਤਾਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀਓ आप कृपा करो त्राहे मां दृश्य गुरु स्वप्न सलोको कित रुकवान, भाव के जिमें सतगुरु ने सुपने विच दृश्य दे नाल मैनू सलोक सुनाया जो सलोक प्रगट किया उहदे अर्थ इस प्रकार हन। चौपाई एम पढ़ियो पंडित ब्रजलाल, जदों पंडित ब्रजलाल ने सतगुरु साहब जी दे हुक्म सदका ये बचन पढ़िया है, पुन बोलियो संगत के नाल, फिर उत्थे धन सतगुरु साहब सच्चे पातशाह महाराज आप सारा कुछ सुनते रहे
संगत ने नाल पढ़िया है। श्री नानक गुर अर्जन जो आख्या कि धन सतगुरु श्री गुरु नानक साहब जी अते सतगुरु श्री गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह महाराज जी सवपन विखे दासे तब दो। ते उस वक्त कहिंदे सन कि इह श्लोक जदों सतगुरु साहब की बख्शिश नाल पढ़िया ते दोवें सतगुरां दे दर्शन होए, भाव धन श्री गुरु अर्जुन देव साहब जी ते धन सतगुरु श्री गुरु अर्जुन देव सच्चे पातशाह महाराज जी ने जिवें सुखमनी का महात्म प्रगट किया ते गुरु नानक साहब महाराज जी ने जपजी का महात्म प्रगट किया, दोवें पातशाहियां दे दर्शन हो गए। इस करके जो कुछ मैं सुनिया ਉਹ ਕੁਝ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹ ਸੁਣਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹਾਂ। ਸੁਣੋ ਭਲੇ ਸਭ ਚਰਚਾ ਪਾਵਨ, ਇਹ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਹ ਪਾਵਨ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਹ ਸੁਣਨਾ ਕਰੋ। ਮਹਿਮਾ ਗੁਰ ਬਾਚ ਆਰ ਗੁਰ ਕੇਰੀ, ਆਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਉਸਤਤ ਹੈ। ਕਹੇ ਕੌਣ ਜੋ ਵੱਡੇ ਹੋ ਵੱਡੇ, ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਉਸ ਮਹਿਮਾ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰ ਸਕਾਂ, ਮੈਂ ਉਸ ਕਥਾ ਦਾ ਕਥਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਵਡਿਆਈ ਵੱਡੀ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਮਰੱਥਾ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਸਲੋਕ ਮੋਗ ਛੇ ਚਾ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਣੇ ਦ੍ਰਵ ਲਾਭੇ ਭਰਮੇ ਬਿਰਕਤੋ ਸੇਵਨੇ ਵਾ ਚੌਪਈ ਸੁਨਕੈ ਸੰਗਤ ਬੋਹਰ ਸੁਣਾਇਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੁਣੀ, ਭਾਵ ਜਦੋਂ ਅਰਥਾਂ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਉਹਨੇ ਸਲੋਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਵੇਖੋ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਦ ਦੀ ਬੇਅੰਤਤਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਆਪ ਜੀ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਓ, ਆਪ ਹੀ ਰਹਿਮਤ ਦੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉਚਾਰਨ ਕਰੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰਥਾਏ ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸੁਣਨਾ ਕੀਤਾ, ਸੁਪਨੇ ਮੈਂ ਸਲੋਕ ਸਿੱਖ ਆਇਓ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਲੋਕ ਜੋ ਸੁਪਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਸ ਕੋ ਸਮਝਾਵੋ, ਇਹਦੇ ਭਾਵ ਅਰਥ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕਰੋ। ਕਹਿ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਆਪ ਸੁਣਾਵੋ, ਤੇ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਸਨਮੁਖ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿੰਨੀ ਸੰਗਤ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਵ ਅਰਥ ਇਸ ਕੋ ਸਮਝਾਵੋ, ਕਹਿ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਆਪ ਸੁਣਾਵੋ, ਭਾਵ ਕਿ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹ ਸਲੋਕ ਵੀ ਸੁਣਾਇਆ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਆਪ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾਉਣੇ ਕਰੋ। ਸੁਣ ਕਲਗੀ ਤਰ ਉਤਰਿਓ ਨੀਕੇ, ਫਿਰ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਾਓ, ਪੰਡਿਤ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਸੋਹਣੇ ਅਤੇ ਸ੍ਰੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮੁਖ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸੁਣਾਓ। ਕਲਗੀਧਰ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਨ ਕੀਤਾ, ਜਾਨੋ ਪਰਮ ਮੰਤਰ ਜਪ ਜੀ ਕੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮ ਮੰਤਰ ਹੈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਜਾਣਨਾ ਕਰੋ। ਇਹ ਮਾਨਸੀ ਪੰਛੀ ਅੱਛਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਛੀ, ਇਹ ਮਾਨਸੀ ਪੰਜੀ ਅੱਛਰ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਪਾਠ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਬਾਛਤ ਦੇ ਸਿਮਰਿਓ ਦਿਨ ਰਹਿਤ ਚੀਤ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਚਿੱਤ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਦਾ ਹੈ, ਤਿਸ ਕੋ ਅਰਥ ਕਰਿਓ ਗੁਰਦਿਆਲ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਉੱਪਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਇਆਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਹਨੇ ਮਹਾਤਮ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕੀਤਾ, ਹਿਤ ਸਿੱਖਣ ਕੇ ਕਰਨ ਨਿਹਾਲ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਫਿਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਭਾਵ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਜਨਕ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਵਰਨ ਪੱਚੀ ਅਜੱਪਾ ਜਪੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹਦਾ ਅਜੱਪਾ ਜਾਪ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜੀ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿ ਨਿਰੰਤਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜਪ ਬਾਣੀ ਦਾ ਜਾਪ ਕਰੇਗਾ, ਕਹਿ ਰਸਨਾ ਰਸਤੇ ਮਨ ਰਪੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਸਨਾ ਰਸ ਨਾਲ ਭਰ ਜਾਏਗੀ, ਮਨ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਰਹੇਗਾ, ਸਹਿਜੇ ਦੁੱਖ ਨ ਦੁੱਖ ਰੋਜ ਤੀਨ,
ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਖ ਦਲਿੱਦਰ ਦਰਦ ਆਦਿਕ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਮਹਾਤਮ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੇ। ਬਾਤ ਪਿਤ ਕਾਪ ਕਰਤਾ ਹੀਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਭਾਵੇਂ ਵਾਤ ਪਿਤ ਹੋਵੇ, ਪਿਤ ਹੋਵੇ, ਕਫ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਤੋਂ ਸਰੀਰ ਦੇ ਰੋਗ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਜੁਗਤ ਉੱਤਮ ਪਦ ਪਾਵੈ, ਤੇ ਮੁਕਤੀ ਦੀ ਯੁਗਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਉੱਤਮ ਫਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਵੇਗੀ। ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਨਹਿ ਅਵਗਤ ਜਾਵੈ, ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਸੁੱਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ, ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿ ਸੁਖੀ ਹੋਏ ਨਹਿ ਅਵਗਤ ਜਾਵੈ, ਉਹ ਵਿਅਰਥ ਨਹੀਂ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੀ ਗਤ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਜੇ ਭੋਜਨ ਪਰ ਕਰੇ ਉਚਾਰਨ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਭੋਜਨ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ, ਵਧੇ ਰਿਤ ਹੋਏ ਅੰਨ ਵਿਕਾਰਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨ ਦੇ ਵਿਕਾਰ ਹਨ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੁੱਖ ਸੋ ਪਚੈ ਨਾਰਜ ਉਪਜਾਵੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਸੋ ਭਜੈ, ਸੁੱਖ ਸੋ ਪਚੈ ਭਾਵ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਖਾਣਾ ਪਕਾਉਂਦਿਆਂ ਜਾਂ ਛੱਕਦਿਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਖਾਣਾ ਸੁੱਖ ਨਾਲ ਪਚੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਵਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣਗੇ। ਕਾਲ ਰਹਿਤ ਹੋਏ ਦੁੱਖ ਮਟਾਵੈ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਉਹ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਧਰਮ ਲਾਭ ਹੈ ਧਰਮ ਮੁਝਾਰਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਧਰਮ ਵਿੱਚ ਬਿਰਤੀ ਰਹੇਗੀ, ਤੇ ਹਾਨ ਅਤੇ ਲਾਭ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸੋਝੀ ਵਾਲਾ ਪੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਏਗਾ, ਹਾਨੀ ਦੂਰ ਹੋਵੇਗੀ, ਲਾਭ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੀਚ ਉਦਾਸੀ ਕੇ ਸੁਖਕਾਰਾ, ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਅਵਸਥਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਏਗਾ, ਬੀਚ ਉਦਾਸੀ ਕੇ ਸੁਖਕਾਰਾ, ਉਹ ਘਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਉਦਾਸੀ ਬਿਰਤੀ ਵਾਲਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਬਹੁਤ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਟਿਕ ਜਾਏਗੀ। ਇਸਤਰੀ ਵਿਆਹਨ ਸੋਤ ਉਪਜੰਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਇਸਤਰੀ ਤੋਂ ਪੁੱਤਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ਨ ਕੋ ਗਮਨੰਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਮਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵੇਲੇ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ, ਜੰਗ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਯੁੱਧ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵੇਲੇ, ਬਹੁਤ ਉਡਣ ਬਾਜੀ ਬਾਰਨ, ਤੇ ਘੋੜੇ ਤੇ ਸਵਾਰ ਹੋਣ ਸਮੇਂ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਸੁਰ ਪੂਜਨ ਮੈਂ ਮੋਹਨ ਕਰਨ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੁਰ ਪੂਜਨ ਮੈਂ ਮੋਹਨ ਕਰਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਲੋਕ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪੂਜਾ ਹੈ। ਪੱਚੀ ਵਰਨ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 25 ਵਰਨ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ 25 ਵਰਨ, ਵਰਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਇਹ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ 25 ਦੇ 25 ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ, ਸਦਨ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ਨ ਬਾਹਰ ਜਾਣ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਕਿ ਘਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਸਮੇਂ, ਘਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਸਮੇਂ, ਇਤਿਹਾਦਿਕ ਜੇ ਕਾਜ ਮਹਾਨ, ਇਤਿਹਾਦਿਕ ਕੋਈ ਵੀ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, ਮਸਤਕ ਨਮਰ ਕਰੇ ਗੁਰੇ ਅੱਗੇ, ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਮਸਤਕ ਨਮਰ ਕਰੇ ਗੁਰੇ ਅੱਗੇ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਸਤਕ ਨੀਵਾਂ ਕਰੇ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਕਰੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰ ਸਿਮਰਨ ਲਾਗੇ, ਦ੍ਰਿੜ ਪ੍ਰਤੀਤ ਕਰਕੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਕੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਵੇ, ਜੇਤ ਸੰਬੰਧ ਗੁਰੂ ਕੇ ਸਿੱਖ, ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਗੁਰੂ ਕਾ ਉਹ ਦਸਵੰਧ ਜ਼ਰੂਰ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਭੇਟਾ ਕਰੇਗਾ, ਕੰਨ ਕੜਾਹਾ ਕਰੇ ਸੋ ਭੁਵੇਖ, ਤੇ ਉਹ ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ ਕਰੇ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਪਾਠ ਉਚਾਰਨ ਕਰੇ, ਦਾਨ ਦੇਣ ਲੇਤੇ ਮਹਿ ਦੇਨੇ ਮੇ ਪ੍ਰਾਹੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਦਾਨ ਦਵੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਦਾਨ ਲਵੇ ਉਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਕਰੇ, ਅੱਤ ਸੁਭਾਵ ਕੀ ਪਲਟਨ ਮਾਹੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਅੱਤ ਸੁਭਾਵ ਕੀ ਪਲਟਨ ਮਾਹੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜੇ ਸੁਭਾਅ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬਦਲਦਾ ਤੇ ਸੁਭਾਅ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੇ, ਭੂਤ ਕੇ ਪ੍ਰੇਤ ਡਾਕ ਨਹੀਂ ਡੀਠ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਭੂਤ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਤ ਹੋਵੇ
कोई भी नेड़े नहीं आवेगा। सेहत प्रतीत पठे दृढ नीठ, पर दृढ़ करके बैठ करके श्रेष्ठ प्रतीत करके भरोसा करके पढ़ना करे। सुपने में श्री अर्जुन कहो, सतगुरु सच्चे पातशाह महाराज जी ने उस वक्त यह सारा का सारा पंडित जी के कोलों व्याख्यान भी सुनिया, तो भाई साहब जी कहिंदे ने, फिर उस वक्त पंडित जी ने कहा, महाराज गुरु अर्जुन देव साहब जी ने मैनू फिर बचन किया, दिज ब्रज लाल सो पंडित लहयो, आख्या भी जिहड़ा दिज है ब्राह्मण पंडित ब्रज लाल है, भाव कि इन्हें ये अर्थ जो प्राप्त किए हैं, दसवें पातशाह हो गुर साचे, आख्या दसम पातशाह सच्चे सतगुरु महाराज जी हो, लिखवाए श्री बचन उबाचे, सतगुरु साहब सच्चे पातशाह महाराज जी दे दर के उपर यह अर्थ फिर जो इस पंडित जी वालों बयान किए गए कि गुरु नानक साहब सच्चे पातशाह ने रसना ते बैठ करके ये सारे के सारे अर्थ जिहड़े करवाए सन वो लिखवा ले गए, उन्हां अर्थां नूं संपूर्ण जिहड़ा है इत्थे नोट कर लिया गया है, आगे लागे लिखन लिखारी, ते अगे बैठे हुए लिखारी जिहड़े सन सतगुरु साहब दे दर ते ਉਹ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਜੇ ਮਹਿਮਾ ਬਦ ਸਿਹਤ ਉਚਾਰੀ, ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਿਮਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਸਹਿਤ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ, ਦੋਹਰਾ ਚਲਨ ਸਮੇਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿਣ ਮਹਿ ਦਾਨ ਦੇਤ ਔਰ ਲੈਣ, ਉਸ ਵਕਤ ਚੱਲਣ ਸਮੇਂ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਸਮੇਂ ਭਾਵ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਭਾਵ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਣਾ ਕਰਨਾ ਭਾਵ ਕਿ ਜਾਣਾ ਹੈ ਦਾਨ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਦਾਨ ਲੈਣ ਵੇਲੇ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕ੍ਰਿਤ ਸਿੱਖ ਕਰੇਗਾ, ਆਤ ਸੁਭਾਵ ਕੀ ਪਲਟ ਮੈਂ ਭੂਤ ਡਾਕਨੀ ਸੇਨਾ, ਇੱਥੇ ਭਾਵੇਂ ਭੂਤ ਹੋਵੇ ਭਾਵੇਂ ਡਾਕਣੀ ਹੋਵੇ ਡਾਕੂ ਹੋਣ ਅਤੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਭਾਅ ਦੇ ਬਦਲਣ ਸਮੇਂ ਇਸ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪਾਠ ਨੂੰ ਕਰੇ, ਮਨ ਜਿੱਤਣ ਰਣ ਮੈਂ ਧਰਾ ਰਾਜ ਕਾਜ ਸੁਖ ਸੁਖ ਵਾਹੇ, ਭਾਵੇਂ ਮਨ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਦੀ ਫਤਿਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ, ਮਿਲਣੇ ਗਿਲਣੇ ਬੰਧ ਮਹਿ ਰਾਜ ਯੋਗ ਉਤਸਾਹੇ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਗਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਆਪਸੀ ਮਿਲਾਪ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਰਾਜ ਤਖਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਇਨ ਕਾਰਜ ਕੀ ਅਟਕ ਮਹਿ ਪੰਚ ਪਤੀਸਾ ਜਾਪ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਵਕਤ ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਅੜ ਜਾਏ ਨਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ 25 ਅੱਖਰਾਂ ਤੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ 5 ਜਾਪ ਕਰੇ, 36-38 ਜਾਪ ਕਰ ਲੱਖ ਅਰਧ ਤੇ ਲੱਖ, ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 36 ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਜੋ ਮੰਤਰ ਹਨ ਭਾਵ ਕਿ ਜੋ ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਸਰੂਪ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 38 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਿੱਖ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜਾ 36-38 ਪੌੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਸਲੋਕ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ 38 ਪੌੜੀਆਂ ਸੰਪੂਰਨ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇ, ਵਰਣ ਪੰਚ ਪੱਚੀ ਪੰਚ ਸੀ ਕੇ 25 ਕੈ ਅਥਵਾ 36 ਹੋਏ, ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਇੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਿਸ ਵਕਤ ਇਹਨਾਂ ਅਰਥਾਂ ਸਹਿਤ ਭਾਵ ਕਿ ਵਰਣ ਪੰਚ 25 ਕੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਵਰਨਮਾਲਾ ਦੇ 25 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਭਾਵ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਥਵਾ 36 ਹੋਏ, ਭਾਵ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 25 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰ ਹੈ ਅਤੇ 2 ਮੰਤਰਾਂ ਦੇ ਸਲੋਕ ਨਾਲ ਦਰਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਮੰਤਰ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰੇ, ਜਪ 1000 ਸੰਵਰਣ ਕੇ ਪਾਠ ਕਰੇ ਨਰ ਜੋਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ 25-25 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਕਤ 25000 ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇਗਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਸੀ ਕਿ ਜੋ ਲਗਾਤਾਰ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਇਸ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਸੰਪੂਰਨ ਮੰਤਰ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੇਗਾ ਪਾਠ ਕਰੇ ਨਰ ਜੋਏ, ਜਿਹੜਾ ਅਭਿਆਸ ਇਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਰੱਖੇਗਾ, ਕਰੇ ਹੋਮ ਗੁਰ ਮੰਤਰ ਕੋ ਸਕਲ ਵਿਘਨ ਤੇ ਖਾਪ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਰੇ ਵਿਘਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਮੰਤਰਾਂ ਦਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਫਲ ਹੈ
ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਮਹਾਤਮ ਹੈ। ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟੈ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਤਾਪ ਰੂਪੀ ਬਚਨ ਆਖੇ, ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਵਿਘਨ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਟੁੱਟ ਜਾਏਗਾ, ਉਹ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਨਿਰਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਨਿਰਣਾ ਭਾਵੇਂ 25 ਅਤੇ ਭਾਵੇਂ 36, ਇਹ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਤਰ ਹੋਵੇ ਭਾਵ ਕਿ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜੇ 38 ਅੱਖਰ ਨੇ ਤਾਂ 38,000 ਵਾਰ, ਜੇ 25 ਅੱਖਰ ਨੇ ਤਾਂ 25,000 ਵਾਰ, ਭਾਵ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰੇ। ਧੰਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਇਹ ਬਚਨਾਵਲੀ ਸਾਡੇ ਸਨਮੁੱਖ ਸੁਣਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਜੋ ਨਿਰਣਾ ਇੱਥੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਤਿਸ਼ਟੀ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਸਨਮੁੱਖ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਹਾਜ਼ਰੀ ਆਪ ਸਮੂਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜੀ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਜੀ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਦੀ ਖਿਮਾ, ਆਪ ਜੀ ਬਖਸ਼ੋ ਅਸੀਸ। ਆਓ ਆਖਰੀ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੀਏ ਜੀ। ਕਰੈ ਹੋਮ ਗੁਰਮੰਤਰ ਕੋ ਸਗਲ ਵਿਘਨ ਤੇ ਖਾਪ, ਕਾਰਜ ਹੋਏ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟੈ ਸ੍ਰੀ ਮੁਖ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤਾਪ। ਹੇ ਅਚੁੱਤ ਹੇ ਪਰ ਬ੍ਰਹਮ ਅਵਨਾਸੀ ਅਗਨਾਸ, ਹੇ ਪੂਰਨ ਹੇ ਸਰਬ ਮੈਂ ਦੁਖ ਪੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ, ਹੇ ਸੰਗੀ ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਹੇ ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ ਹੇ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ ਕੈ ਸਦਾ ਬਿਵੇਕ, ਹੇ ਪਰਮਪਰ ਹਰ ਹਰੇ ਹੈ ਪੀ ਹੋ ਬਨਹਾਰ, ਹੇ ਸੰਤਹਿ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ ਦਾਰਾ ਆਧਾਰ, ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹਉਂ ਦਸਰੋ ਨਿਰਗੁਣ ਗੁਣ ਨਹੀਂ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੈ ਨਾਮ ਦਾਨ ਰੱਖੋਹੀਐ ਪਰੋਏ, ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ ਨਿਧ ਦਇਆਲ, ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ, ਏਕ ਅਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।